इरफान पठान और यूसुफ पठान को कौन नहीं जानता। अपनी बैटिंग और बॉलिंग से पूरी दुनिया में इरफान पठान और यूसुफ पठान के करोड़ों फैंस हैं। तो इन्हीं फैंस के लिए अब एक और खुशी की बात है, वो ये है कि कोलकाता शहर में बहुत जल्द खुलेगा क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान, जिसमें खुद इरफान पठान शामिल होंगे। ये कहना है क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान के ऑर्गेनाइजर वसीम का। और इसी दौरान क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान ने रिपब्लिक डे कप का भी आयोजन वसीम ने किया। रिपब्लिक डे कप का आयोजन ऑर्गेनाइजर वसीम के द्वारा किया गया। कोलकाता के सॉल्ट लेक FC ब्लॉक ग्राउंड में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका फाइनल मुकाबला 3M प्रेडेटर्स वर्सेस हंजाला वॉरियर्स में खेला गया, जिसमें टूर्नामेंट की विजेता टीम रही 3M प्रेडेटर्स। मैन ऑफ द मैच मिला मोहम्मद इब्राहिम को, मैन ऑफ द सीरीज आसिफ अहमद को दिया गया, हाईएस्ट विकेट टेकर बने आसिफ अहमद और बेस्ट फील्डर बने आमिर हुसैन। इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे यासिर हैदर। ये तेल बोलने से सर, ये छोटी बच्ची से लेकर बूढ़े पन लगाने का तेल है। ये खुद बनाने वाले हम, ये कोई कंपनी फैक्ट्री का नहीं है, खुद घर में बनाते हैं। ये लगाने से सर जो बाल झड़ रहा है टूट रहा है उसके लिए रुकावट करेगा, बालों के लिए ग्रोथ करने लगेगा, महीने महीने में 3 इंच 4 इंच बाल लंबा करेगा, नया बाल आने के लिए चांस है सर। जो 2 बॉटल रेडी स्मोक लगाओ सर, ऐसा बाल लंबा करेगा, बालों के लिए ग्रोथ करेगा, झड़ेगा नहीं टूटेगा नहीं। ऐसा रेडी स्मोक लगाओ ग्रोथ से बाल, ये दो बॉटल लगाने से बार बार लेना लगाने की जरूरत नहीं है। जेंट्स का भी देखो, जेंट्स भी लगा सकते हैं। मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे विनर्स टीम को और मुबारकबाद देना चाहता हूँ रनर्स टीम को भी, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि नोबडी इज अ लूजर, एवरीबडी इज अ विनर। और जो भी पार्टिसिपेंट टीम थे सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एवरीबडी एट द एंड ऑफ द डे आर द विनर्स। और आज इतना अच्छा रिपब्लिक डे 3.0 जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है CAP के तरफ से, जिसका नाम पूरा फॉर्म है क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान, जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स जो बहुत ही फेमस क्रिकेटर्स रहे हैं हमारे इंडियन टीम के, इरफान पठान साहब और यूसुफ पठान साहब, उनके एकेडमी के तरफ से ये टूर्नामेंट किया गया, और जिसके फ्रेंचाइजी हमारे भाई वसीम ने वेस्ट बंगाल में लिया है। तो वसीम को उसके जो टीम के जो मेंबर्स है आसिफ और पूरे जितने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है सबको मेरे तरफ से हाल दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके कि इतना अच्छा एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जहाँ पे चार टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, और इतना अच्छा मेरे पीछे देख सक रहे हैं कि इतना अच्छा एक वर्ल्ड कप का ट्रॉफी यहाँ दिया हुआ है, रनर अप का भी बहुत अच्छा ट्रॉफी दिया हुआ है, पीछे पे हमारे यूसुफ भाई और इरफान भाई का भी एकेडमी का डिटेल्स दिया हुआ है। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान से। और मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह ताला ये और भी कामयाब हो टूर्नामेंट, और मैं जितना भी मुझसे बन पड़ेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और भी मैं इन्वॉल्व होऊंगा। और ये CAP को हम लोग वेस्ट बंगाल में बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं ये CAP को, और मैं वसीम और उसके पूरे टीम के साथ हूँ और हमेशा रहूँगा इंशाल्लाह। ये सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो इतने बड़े टूर्नामेंट का चार टीम के बीच में खेले और जिसमें से एक चैंपियन बने, वो मोहम्मद मेहराज जो कप्तान 3M प्रीडेटर को और सारे उनके खिलाड़ी को मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहता हूँ जो आज रिपब्लिक डे कप का विनर हुए। क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान की तरफ से भी बहुत बहुत आपको शुभकामना और हमारी टीम के तरफ से भी। सर ये क्रिकेट ऐसा है कि इंडिया का लाइक फेस्टिवल है, बंगाल फुटबॉल से लोग जाना जाती है पर बंगाल में जितना क्रिकेट बजता है शायद ऑल ओवर इंडिया में नहीं। यहाँ से सौरभ गांगुली है जो आप देखेंगे अपनी इंडिया के हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में, कपिल पाजी के बाद एमएस धोनी के बाद अगर किसी का नाम आती है तो ये सौरभ गांगुली दादा के आते हैं। तो ये क्रिकेट के जाने माने सिटी है, और यहाँ पे क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान के यूसुफ पठान जिन्होंने KKR के लिए ऐसे बल्लेबाजी करके यहाँ की जनता को खुश रखा है, इनको कौन भूल सकता है। आज का मैन ऑफ द मैच मोहम्मद इब्राहिम है, एंड सॉरी फॉर यू, मैन ऑफ द सीरीज के लिए मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा कि लीडर बोर्ड में कौन सा सबसे ज़्यादा आपका जिन्होंने रन किया वो मैन ऑफ द सीरीज होंगे। सबसे पहली बात है कि ये क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान ऑल ओवर इंडिया में एक ऐसी अकेडमी है जिनकी एक कंपनी 40 सेंटर से ज़्यादा और 16 स्टेट से ज़्यादा और 40 सिटी से ज़्यादा ये आपके एकेडमी आपका ऑल ओवर इंडिया पे आपको मिलेंगे। ऐसे मैं कोई क्रिकेटर का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कोई ऐसे क्रिकेटर का 2 से ज़्यादा एकेडमी नहीं है, तो इसके पीछे कितने रीज़न होंगे आप समझ पाते होंगे इनका सक्सेस में। ये इरफान पठान साहब जैसे हमारे ये लॉन्च होंगे, हमारे न्यू टाउन में फाइनल हुई है, मैं लोकेशन बाद में आपका डिक्लेयर करूंगा, इरफान पठान साहब अपने जैसे ये लॉन्च होंगे तो वो लॉन्च में इरफान पठान साहब आएंगे आपका। अच्छा गेम था और हम लोग अच्छा खेले और जीते, लवली टीम एफर्ट जी।
बहुत ही अच्छा लगा। काफी टफ मुकाबला देखा जी, जी क्लोज मैच था लेकिन हम लोग किसी तरह बाद में अच्छा खेल के निकल गए। आई थिंक इट वाज एन ओवरऑल टीम एफर्ट, एवरीवन कंट्रीब्यूटेड एंड या यू नो आई वुड से वंडरफुल अरेंजमेंट्स ओवर हियर एंड वी आर रियली हैप्पी दैट यू नो वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड प्ले ओवर हियर एंड वी हैव रियली गुड प्लेयर्स नरबाना एंड वी वर एबल टू शोकेस आवर स्किल्स टुडे। यहाँ क्रिकेट है, गेम फनी गेम है और इसको हम लोग इन्जॉय कर कर खेलता हूँ और क्रिकेट है एक फ्रेंडशिप गेम है, हम लोग सब एक लोग दूसरे को जानते हैं तो एक्चुअली मज़ा आता है खेलने में, बहुत अच्छा लगा हमको खेलकर। टीम में सारे प्लेयर्स हमारे अच्छे थे और सारी टीम की पूरी एफर्ट थी और सारे लोग अच्छा खेले जिसकी वजह से हम लोग इस मैच को जीता आसानी से, और भी देखूँगा क्या होता है। जी बहुत खुश है टीम परफॉर्मेंस से, ऑब्वियसली जरूर खुश होंगे ना। जी काफ़ी मेहनत रहा टीम में, अगर फाइनल जाता है तो वो टीम में काफ़ी कंट्रीब्यूट होता है, हर प्लेयर है कंट्रीब्यूट से जाता है, तो एज अ टीम प्लेयर एज अ टीम मेंबर बहुत खुश है, टीम का पूरा डिजर्व करते हैं तो हम लोग जीते हैं, बहुत खुश है इसके लिए। हेलो माई सेल्फ डॉक्टर तनवीर अहमद, फाउंडर ऑफ टी वी आर हेल्थ केयर। हमारे यहाँ पे प्रॉपर कैंसर क्लिनिक, डायबिटिक, कार्डियोलॉजिक, ऑर्थोपेडिक और जो भी डिपार्टमेंट है सब एक छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, और आपका प्रॉपर डायग्नोस्टिक ब्लड टेस्ट, इको, ECG, CT, MRI की फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं विद प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस और डे केयर। तो किसी को कोई भी सर्विस और कोई भी हेल्प लेना हो तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।